हाँ, मस्जिद में से अजान की आवाज आती है पांचों टाइम। पांचों टाइम की अजान की आवाज आती है। इसके बराबर में मंदिर होने के बावजूद भी आज मंदिर की बिल्कुल आवाज नहीं है और मस्जिद की आवाज इतनी तेज है कि हमारे बराबर में मस्जिद है, यहाँ पे जामा मस्जिद, उसकी आवाज इतनी तेज है सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं आवाज के सुनकर। आज हम सेक्टर 23 गाजियाबाद के हनुमान मंदिर में उपस्थित हैं। वहां पर पंडित जी से जानेंगे जो सरकार द्वारा लाउड स्पीकर के लिए एक निर्देश पारित किया गया है, क्या मंदिर में उस निर्देश का पालन हो रहा है? पंडित जी, जो लाउड स्पीकर को लेकर के सरकार ने निर्देश पारित किया है, क्या मंदिर में उस आदेश का पालन किया जी जा रहा है? हाँ, हमारे मंदिर में जो सरकार द्वारा किया गया आदेश है उसी के अनुसार हमारा पालन हो रहा है। उसी अनुसार हमारे माइकों की आवाज़ है और सीमित आवाज़ है जो हमारे मंदिर प्रांगण में के पास ही रहती है और इर्द गिर्द किसी को सुनाई ना दे ना किसी को प्रॉब्लम हो, उसी का पालन हो रहा है। पंडित जी, ये आदेश जो आया हुआ है सरकार के द्वारा उसका कब से पालन किया जा रहा है? करीबन 1.25 महीने से, 1.25 महीने से लगातार उसका पालन जी किया जी जा रहा है। बिल्कुल। माता जी, आप यही सेक्टर 23 की निवासी हैं? हाँ जी। आप ये बताइए कि जो हमारे सरकार द्वारा निर्देश आए हैं कि मंदिर वगैरह के मस्जिद के लाउड स्पीकर सबकी आवाज़ धीमी हो जाएगी, क्या मंदिरों की लाउड स्पीकर की आवाज़ बंद है? हाँ बंद है। यहाँ और किसी चीज़ की आवाज़ आती है? हाँ, मस्जिद में से अजान की आवाज़ आती है पांचों टाइम। पांचों टाइम की अजान की आवाज़ आती है? हाँ जी, हाँ जी। क्या उसकी ध्वनि इतनी है कि वो अंदर तक ही रहती है, बाहर तक आवाज़ बाहर तक आती है? पूरी बाहर तक आती है। हमने मंदिर की आवाज़ बहुत कम कर दी है, इनकी आवाज़ मस्जिद में तो बहुत तेज आती है, 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं और उसमें भी बहुत तेज शोर मचाते हैं ये। सुबह सुबह 6 बजे ही इनकी अजान शुरू हो जाती है जिसकी वजह से सुबह को हमें परेशानी होती है आवाज़ से, आवाज़ के कारण। छोटे छोटे बच्चे हैं वो सोते हैं और स्कूल का भी टाइम होता है बच्चों का, पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है, बच्चों के एग्ज़ाम भी चले, इनकी अजान तब भी बंद नहीं हुई। एग्ज़ाम के समय भी इनकी अजान की आवाज़ बंद नहीं लगी? निरंतर आवाज़ आती रही इनकी। आज यहाँ पर जो सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं, ध्वनि को जो मापक दिया गया है उसके लिए हम यहाँ पर सर्वे कर रहे हैं, तो आप बताइए कि मंदिर की आवाज़ जो लाउडस्पीकर की आवाज़ है वो क्या बंद है भाई साहब? मंदिर की जो शासन का आदेश है उसके अनुसार मंदिर में आवाज़ है जी। लेकिन हमारे बराबर में मस्जिद है, यहाँ पर जामा मस्जिद, उसकी आवाज़ इतनी तेज है सुबह 4 बजे हम लोग उठ जाते हैं आवाज़ की सुनकर। पहली बात तो मैंने बाईपास सर्जरी कराई है तो मैंने जो है SSP के यहाँ फ़ोन किया, DM के यहाँ फ़ोन किया PRO को, और पुलिस चौकी पर मैंने फ़ोन किया कि भाई यहाँ की जो आवाज़ है शासन के अनुसार नहीं है, जो शासन का आदेश है उसके अनुसार क्या गाजियाबाद में संजय नगर में एक मस्जिद ऐसी है जो इसका पालन नहीं कर रही है, तो उन्होंने भी पुलिस चौकी को फ़ोन किया, पुलिस चौकी से फ़ोन आया तो उसके बाद भी यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 दिन आवाज़ कम रही लेकिन 2 दिन बाद आवाज़ फिर पूरी जोर से चल रही है। मैंने बाईपास कराई, बाईपास कराने के कारण मैं रात भर सो नहीं पाता हूँ, लेकिन जैसे सुबह मेरी आँख लगती है तभी 4 बजे बहुत तेज़ी से अजान की आवाज़ होती है और फिर हम उठ जाते हैं, तो हम मानसिक तौर पर भी बीमार हैं और शारीरिक तौर पर बीमार हम लोग हैं ही। और इसका कारण यह है कि हम लोग तो यहाँ से, अगर ये आवाज़ कम नहीं हुई और यहाँ से इसका अतिक्रमण कम नहीं हुआ तो हम तो यहाँ से पलायन कर जाएंगे, मकान बिक जाएंगे, हम मानसिक तौर पर इतने परेशान हो चुके हैं। पहले भी हमने कंप्लेंट की थी, उसके बाद भी आज तक इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बस मुझे यही कहना है, प्रशासन से उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई करें और ज़्यादा ध्यान दें। मैं सेक्टर 23 का स्थानीय निवासी हूँ। यहाँ इस मस्जिद पर पहले भी कई बार इस तरह का विवाद हुआ है, कई बार FIR तक दर्ज की गई हैं पुलिस चौकी नज़दीक में होने के बाद भी यहाँ आवाज़ जो मानक निर्धारित किए गए हैं उसके अनुरूप आज भी आवाज़ इसकी नहीं है। इसकी रिपोर्ट पहले भी योगी तक पहुँचाई गई है, शासन की, प्रशासन की बिल्कुल कोई परवाह इन लोगों को नहीं है और हम चाहते हैं कि इसकी आवाज़ कम की जाए या इसे बिल्कुल बंद कर दिया जाए। इसके बराबर में मंदिर होने के बावजूद भी आज मंदिर की बिल्कुल आवाज़ नहीं है और मस्जिद की आवाज़ इतनी तेज़ है कि यहाँ अगर पूजा स्थल है, जिस तरह से मंदिर है, इस पर पूजा भी करना चाहें तो व्यक्ति पूजा भी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा प्रशासन से, हमारा शासन से यही विनम्र निवेदन है कि इसकी आवाज़ को या इनके लाउड स्पीकर्स को उतार दिया जाए। बस मुझे यही कहना था, धन्यवाद। आज हम यहाँ सभी राजनगर सेक्टर 23 में हनुमान मंदिर पर सभी एकत्र हुए हैं। विषय यह है कि सरकार के निर्देश अनुसार भारत में सभी मंदिरों से ध्वनि को बंद कर दिया गया है, लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि एक संप्रदाय लगातार देश का माहौल ख़राब कर रहा है, ना उसे कानून की चिंता है, ना वह किसी नियम का पालन कर रहा है। आपसी प्रेम सौहार्द को मिटाने का काम लगातार ये संप्रदाय कर रहा है। मैं आज राजनगर सेक्टर 23 में हनुमान मंदिर में खड़ा हुआ हूँ।
आप देखेंगे कि यहाँ पर बराबर में ही एक मस्जिद है। मंदिर में कोई भी आके सुन सकता है कि सरकार के निर्देश के अनुसार यहाँ पर पूरी तरीके से ध्वनि को बंद कर दिया गया है। अंदर ही अंदर भजन कीर्तन चलते हैं जिसकी ध्वनि बाहर तक नहीं जाते। दूसरी तरफ आज भी पूरी ध्वनि के साथ आज अजान लगाई जा रही है। पांचों वक्त की अजान नियम से पढ़ी जा रही है। ना तो उन्हें किसी सरकार के आदेश का पालन करने का कोई डर है, वे लगातार नियम और कानून की धज्जियां उड़ाते चले जा रहे हैं। ना उसे हिंदू समाज से परवाह है, ना हिंदू समाज के लिए उसके दिल में कोई प्रेम या सम्मान आज बचा है।